आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के लिए बीआरसी नारखी पर चलाया गया अभियान। उपजिलाधिकारी आदेश सिंह एवं ई.ए.सी. के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने किया शुभारंभ। उपजिलाधिकारी आदेश सिंह सागर ने बताया कि चुनावी गड़बड़ियों और फर्जी वोटिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को अब आधार संख्या से जोड़ने की बड़ी पहल की है। हालांकि यह मुहिम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। आधार कार्ड को मौजूदा में पहचान पत्र से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन 1 अगस्त 2022 से किया जा चुका है, ताकि मतदाताओं की पहचान स्थापित करके मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जा सके। ई.ए.सी. के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने आए हुए सभी शिक्षकों एवं नागरिकों को बताया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बुशरा बानो के निर्देश पर यह अभियान की चलाया जा रहा है। ईएलसी साई नोडल अधिकारी के पद पर हूँ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर और एडीएम सर के निर्देश पर यह प्रतिदिन कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज बीआरसी नारकी पर उप जिलाधिकारी कुरला सर आदेश सिंह सर मौजूद रहे और यहाँ बीआरसी पर जो एबीएच सर हैं उनके निर्देशन में भी यह कार्यक्रम किया गया। आज यहाँ पर आए हुए जो भी शिक्षक और उपस्थित जो भी नागरिक हैं उन सभी को बताया गया कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उसमें ऑनलाइन के माध्यम से एनबीआरपी एवं एनबीएसपी पोर्टल जो है उस पर गरुड़ा ऐप है, इनके माध्यम से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आए हुए सभी नागरिकों को यह बताया गया। प्रतिदिन यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ आज उप जिलाधिकारी महोदय ने उपस्थित सभी शिक्षकों को बताया कि किस तरह से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है, उनको बारीकियों पर से समझाया गया। यहाँ उपस्थित बीएलओ से भी पूछा गया कि कितने परसेंटेज आपने काम करा दिया है। इसी के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।